तो भाइयों एक तरफ है पूरे यूके के प्रिंस चार्ल्स और दूसरी तरफ है भगवान श्री कृष्णा जी के वंशज चंद्रवंशी क्षत्रिय लॉर्ड मेयर दिलीप सिंह राणा। तो भाइयों आप तभी देख सकते हो कि कैसे शाही खानदान से दोनों राणा जी हैं वो लॉर्ड मेयर है पूरे आयरलैंड के, पूरे यूके में इनको लॉर्ड मेयर बनाया गया था क्योंकि ये बहुत ही अमीर चेहरा है। इस वक्त लगभग 15 से ज़्यादा कंपनियों के मालिक हैं, पता नहीं कितने होटलों का व्यवसाय। इस वक्त ये प्रेसिडेंट है नॉर्थन आयरलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, पूरे का पूरा जो कॉमर्स इंडस्ट्री है ये सब इनके अंडर है पूरे नॉर्थ आयरलैंड में। और यूके के एक करोड़पति अरबपति चेहरा है जिन्होंने क्षत्रियों का नाम रोशन किया है प्रिंस चार्ल्स के साथ, आप सभी इनकी तस्वीरें देख सकते हो। यो प्रिंस दियोचंद थे जो कि अफगानिस्तान के राजा थे। तो भाइयों जब वो वहाँ से निकलकर पंजाब की तरफ आए तो उन्होंने सबसे पहले गढ़ मुक्तसर बसाया जिसको आज फिरोजपुर भी कहा जाता है। फिरोजपुर को सबसे पहले इन्हीं डोड राजपूतों ने बसाया था और वहाँ पर अपनी डोडा नाम की जागीर और रियासत बनाई जिसको जो कि आज बठिंडा में आती है। ये बहुत बड़ा रीजन था। गढ़ शंकर जो कि होशियारपुर तहसील में है उसको भी इन्होंने ही बसाया है जो कि राजा शंकर सहाई डोड राजपूत थे। बाद में जो घोड़ेबा राजपूत थे वहाँ के उन्होंने इन पर फतेह कर ली थी और गोड़ शंकर अपने कब्जे में कर लिया। और घोड़ेबा ज़्यादातर मुस्लिम राजपूत थे, सूर्यवंशी थे, कछवाहों की शाखा, वो दूसरे देश में चले गए हैं और अभी भी घोड़ेबा रहते हैं, उनके साथ डोड राजपूत आज भी वहाँ पर रहते हैं। तो भाइयों अभी भी इनकी 24 गाँव की जागीर बची हुई है, 24 गाँव की। तो भाइयों गढ़ी मानसोवाल के जो आखिरी जो जागीरदार हैं वो राणा जितेंद्रा चंद हैं जो कि 41वें राणा हैं जो कि पहले राजा के, और ये भगवान श्री कृष्णा जी के वंशज हैं, चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, जदुवंशी राजपूत हैं। और लॉर्ड राणा जी ने इनका नाम पूरी क्षत्रिय कौम का नाम बाहर जाकर बहुत ही मशहूर किया है। तो आप सभी भी ऐसा काम करें जिससे पूरी कौम का नाम रोशन हो, ना कि अंधभक्ति करें। आपका धर्म जो छात्र धर्म है छात्र धर्म को लेकर ही चलें और जिसमें सभी राजपूत आते हैं, जो चाहे आज किसी भी धर्म में चले गए हो, चाहे हिंदू धर्म में चले गए, चाहे मुस्लिम धर्म में, चाहे सिख धर्म में, चाहे बौद्ध धर्म में, इन सबका जो मूल धर्म है वो छात्र धर्म है।